Microsoft Windows. Microsoft Windows is one of the most popular operating system. Microsoft 10 भी हमारा operating system है. When you switch on a computer having the Windows 10 operating system, the Windows 10 operating system starts automatically. जब हम computer को start करते हैं, तो हमारा जो operating system है, Windows 10 automatically start हो जाता है. स्टार्ट करते हैं इट स्पेस द लोकेशन. जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा लोकेशन जाता है. लोकेशन को हमें हटाने के लिए हम लोग दो मेथड को यूज़ कर सकते हैं. क्लिक एनी वेयर ऑन द स्क्रीन यूजिंग द माउस. कंप्यूटर स्क्रीन पर हम कहीं भी माउस से क्लिक कर सकते हैं या प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड. और या तो हम कोई कीबोर्ड के किसी भी की को हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा लॉक स्क्रीन हट जाता है. हम कंप्यूटर में पासवर्ड भी डाल सकते हैं. You can use any of the three sign-in option. Password, PIN, picture password. ये तीनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड देने में. You can create an account without a password, but this is not a good practice. If your computer does not have a password, then anyone can use your computer. पासवर्ड के बिना भी हम अपना प्रोग्राम या अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम पासवर्ड नहीं देंगे तो कोई भी हमारे कंप्यूटर को ओपन कर सकता है. Next, desktop and icons. Desktop क्या है? After entering the password and pressing the enter key, you will see a screen with many small pictures on it. The screen is called the desktop and the small pictures are called icons. बच्चों जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन मेरे सामने आता है ना, यहाँ आप देख रहे हैं कंप्यूटर ऑन करने के बाद ये ब्लू कलर का हमारा पीछे स्क्रीन आया है. इस स्क्रीन को ही हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप. और इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे पिक्चर हैं हमारे. ये पिक्चर जो छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर हैं, इन सभी पिक्चर को हम लोग कहते हैं आइकन्स. यानी कि डेस्कटॉप क्या हुआ कि द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप एंड आइकन इज ए स्मॉल ग्राफिक पिक्चर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. हम डेस्कटॉप पे हम लोग जो आइकन जो होता है वो फाइल का भी हो सकता है, फोल्डर का भी हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है. हम यहाँ देख रहे हैं कि आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, ये वर्ड फाइल है, ये फाइल का आइकन है और ये फोल्डर है. फोल्डर आप जनरली देखेंगे कि येलो कलर का ही फोल्डर होता है. ये फोल्डर का आइकन है और ये टेक्स्ट पेंट है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का हमारा आइकन है. तो आइकन में भी फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम. फाइल और फोल्डर क्या है? फाइल एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ए फाइल. ए फाइल इज सिमिलर टू ए पीस ऑफ पेपर यूज फॉर ड्राइंग, पिक्चर और राइटिंग स्टोरेज. ए फाइल कैन ऑल्सो कंटेन प्रोग्राम. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सच एज अ साउंड फाइल, मूवीज फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल. फाइल बच्चों क्या है? जब हम कंप्यूटर में कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल बनाते हैं, यानी कि कुछ अगर हम कोई पेंट बनाएं, पेंट ब्रश में या कोई हम एमएस पेंट में कोई पेंट बनाएं, पेंट बना करके उसको हम सेव किए तो वो फाइल के रूप में सेव हो जाता है. उसी तरह से मेरे पास गेम का ही फाइल हो सकता है, पिक्चर का ही फाइल हो सकता है. तो फाइल क्या है? इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल. और फोल्डर क्या है? एक फोल्डर के अंदर में हम बहुत सारे फाइल को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, है ना. ए फोल्डर स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल. तो फाइल और फोल्डर में यही डिफरेंसेस है कि फाइल इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एंड फोल्डर स्टोर मेनी फाइल्स. ए फोल्डर इज यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ फाइल्स. ए फोल्डर के अंदर हम लोग बहुत सारे ग्रुप ऑफ फाइल को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. बच्चों टास्क बार क्या है? हमारे स्क्रीन जो हमारे सामने जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो बार होता है ना, टास्क को टास्क बार कहलाता है. यानी कि टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन के बॉटम साइड में, नीचे साइड में जो सबसे
बड़ा जो हमारा जो बार होता है वो हमारा टास्क बार कहलाता है। तो बच्चों, इट कंटेन्स स्टार्ट बटन। टास्क बार के लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। और हम बच्चों, हम इस टास्क बार का जो पोजीशन है नीचे लेफ्ट नीचे बॉटम साइड में, ये जो सबसे लास्ट वाला जो लाइन है इसको टास्क बार कहते हैं। इसका हम लोग पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि टास्क बार को हम राइट साइड में, अपर साइड में, लेफ्ट साइड में कहीं भी हम ला सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि माउस पॉइंटर को हम यहाँ टास्क बार के पास लाएंगे, वहाँ क्लिक किए करेंगे और क्लिक किए हुए यानी कि होल्ड किए हुए उस पोजीशन को हम राइट साइड में ले आएंगे। तो क्या होगा, ये जो हमारा टास्क बार है वो हमारा राइट साइड में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका पोजीशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक, आज हम लोग टास्क बार तक पढ़ लिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो हमारा कंटेंट है, स्टार्ट बटन है, विंडो एक्सप्लोरर है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।